अगर 40 का आ जाता तो आप ये क्या अपने फिर से अंदर हो। ये जो बाकी जो 21 बच गए ये लोग एलिजिबल नहीं है। ये बोले भाई मेरा 50 लाख के लिमिट से कम है और मैंने सॉरी कर आप जो एलिजिबल का जो डेफिनेशन है उसमें आप इंक्लूड नहीं हो। कहीं पे कोई टूर्नामेंट या इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है और उस पर लिखा है अंडर 12 ईयर्स की और अंडर 15 ईयर्स की मतलब अंडर 15 ईयर्स की लिखा है तो ऑब्वियसली 15 साल से नीचे लोग हैं वो ही आएंगे और वाले लोग को नहीं। सेकेंड इधर लिखा था दिस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज फॉर द गर्ल्स कैंडिडेट तो उसमें ये सब लोग भी जाएंगे क्या जाएंगे भाई नाक छुड़वा के जाएंगे कान को छुड़वा ही रहते हैं नाक को छुड़वा के चले जाएंगे वो नहीं भाई कपड़े जी को पहचानता नहीं मतलब तो दोनों का सब सही है भाई स्त्री को समानता भाई ओके ना तो शायद नाक छुड़वा लेंगे और छिड़वा के बोलेंगे भाई मैं कोमलिया हूँ तो लड़का लड़का हमार कोमल ईरान और बिल्डो का नाम है ना भाई तो दैट मीन वो दो कैंडिडेट हो गए गर्ल्स कैंडिडेट के लिए बॉय जाके बोलते सर मैं 14 साल का ही हूँ हाँ ये देखो ना ये क्या है वो सॉरी मैं भूल गया पहले ये करने के लिए और उसके बाद भी वो ये करेंगे पैसे ही डर कर लिए गवर्नमेंट का एलिजिबल है और वो लिमिट भी अप्लाई होगा। सो एलिजिबल पर्सन फॉर द कंपनसेशन स्कीम अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 द सप्लाइज हू मेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन सब नेगेटिव वर्डिंग है यानी कनेक्टेड ना होने वाले लोग एलिजिबल होंगे सपोज हु इज नॉट इंगेज और कनेक्टेड मेकिंग एनी सप्लाई विच आर नॉट लाइबल टू द टैक्स अंडर द जीएसटी एक्ट। लॉजिक में अगर मैं वो पर्सन हूँ और मैं किसी भी तरीके के जीएसटी टैक्स के अंडर के किसी भी स्कीम से मैं जुड़ा हूँ यानी अगर मैं जीएसटी का बेनिफिट या जीएसटी से जुड़ा व्यक्ति हूँ तो मैं फिर कंपनी में आपका एग्रीगेट लिमिट पे आपको टर्न ओवर देना है और स्टार्टिंग में क्या बढ़ गई आप जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते हो अन्य तो आपका आईटीसी का क्लेम दे सकते हो जिसका होता है वो व्यक्ति जो जीएसटी से किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ रहेगा वो इसमें नहीं आएगा। एलिजिबल होने के लिए आप किसी भी तरीके से जीएसटी का कोई बेनिफिट आपने नहीं लिया हो not engaged in making any supply which are not liable to tax under the GST Act. यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी तरीके से GST के वो गुड्स है जिसके ऊपर GST इंक्लूड हुआ है इस तरह के गुड्स का सर्विस इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। शॉर्टकट में GST से के तरीके क्या GST से जुड़ा हो कोई वस्तु आप सप्लाई नहीं कर सकते